जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज और आलिया के बीच चल रहा विवाद बद से बदतर होता जा रहा है। बीते दिनों जब नवाज की मां ने अपनी बहू आलिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, तो वहीं बदले में आलिया ने भी अपनी सास और शौहर नवाज पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। नवाज भी अपनी बीवी पर संगीन आरोपों की झड़ी लगा चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें नवाज अपनी पत्नी आलिया के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को खुद आलिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए आलिया ने खुद को सही और नवाज को गलत ठहराने के लिए सबूत के तौर पर शेयर किया है। खास बात ये है कि इस वीडियो को आलिया ने नवाज की जानकारी के बिना ही बना लिया है। वीडियो में आलिया और नवाज को जबरदस्त बहस करते हुए देखा जा सकता है। नवाज घर के गेट पर खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि आलिया का चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो में आलिया नवाज पर आरोप की बौछार कर रही है और नवाज अपनी सफाई दे रहे हैं। आलिया साफ साफ बोल रही है कि नवाज ने उन्हें हर मौके पर अपनी बीवी कहा है, लेकिन अब लिव इन पार्टनर होने की बात कह रहे हैं। रोसा, मुझे तुम पे जरा भी नहीं, तुमने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम्हारे तो कोर्ट नहीं, पैदा तुमने किया था उस टाइम पे, कोर्ट ने नहीं किया था तुम्हारे बच्चे को। कौन लिविंग में? और जो 2013 से 14 से 15 से 16 तक जो हमारा ZA टावर में एग्रीमेंट बना है, जो मेरे हाथ में है, जिसमें तुम्हारी वाइफ है, टेक्निकल चीज नहीं, लिसन, उसमें वाइफ लिख के दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ था, तो वो क्या था? और जो शौरा के पेपर तुमने फॉरेन के लिए भेजे थे, उसमें वाइफ लिखा हुआ, वो क्या था? आलिया को एक जगह ये कहते हुए सुनाई दे रही है कि नवाज ने उन्हें गुमराह किया। नहीं, ऐसे झूठे नहीं, कोर्ट ये नहीं बोलता कि तुम बच्चों के लिए कर रहे हो, मतलब मुझे गुमराह कर रहे थे इतने दिन से। तुम मुझे गुमराह कर रहे थे इतने दिन से, मैं तो वाइफ बन के बच्चा पैदा करी हूँ ना तुम्हारा।